सो हेलो गाइस, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग होने वाला है, मैं अपना बाल को काट दूंगा सोच रहा हूँ। देख सकते हैं गाइस, बहुत लंबा लंबा हो चुका है, तो इसी को काटते हैं आज। तो गाइस, दुकान का मालिक ये है रमेश, मेरा दोस्त है। तो अभी मैं बाल काटूंगा, तो ये बाल बढ़िया से काट देगा, तो काट लेते हैं ना। तो गाइस, बाल काटने शुरू कर दिया रमेश ने काफी बढ़िया से, तो अभी काट लेते। और पता है आपको, जो भी मेरा तरफ से आएगा उसको ये 20 रुपए में काटेगा। कितना? 20 रुपए लेगा ना। डिस्काउंट ऑफर। हाँ, डिस्काउंट ऑफर, ये भी 2 दिन के लिए, ठीक है। अगर कोई भी 2 दिन का अंदर में आ जाता है इसका दुकान में, तो ये 20 रुपए में आपको फुल काट के देगा बढ़िया से। हाँ, मजाक कर रहा था गाइस, ऐसा नहीं है, आ जाना बस इसकी दुकान में, बढ़िया काटता है, देखते है। अगर ये बढ़िया काटेगा तो आना, बढ़िया नहीं काटेगा तो मत आना। फाइनली गाइस, बाल काट के पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो देख सकते हैं बढ़िया से काटते हैं रमेश ने। और लंबी लग रहा है। हाँ, ये मैं इसको तो नहीं काटूंगा, इसको मैं बाद में काटूंगा, इसको मैं रख रहा हूँ अभी थोड़ा दिन के लिए, तो बाद में मैं इसको काटूंगा। इसका दुकान में आके हमने काट लिया, और ये है मेरा पेट प्रमोशन, मैं फ्री में ही काट रहा हूँ क्योंकि इसका मैं दुकान का प्रमोशन कर रहा हूँ। हाँ, क्या क्या करता रमेश बताओ, ये कैमरा में देखो। तो ये सब करता है, तो आप लोग आ जाना बढ़िया से, और ये बढ़िया से मतलब कर देगा, और कम दाम भी लेगा, मतलब प्लस आपका दाम भी थोड़ा कम लेगा, रेंज भी थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब प्राइस भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप लोग आना इसका सैलून पे, ठीक है। मैं निकलता हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा आगे इसका कौन सा सैलून है। तो यहाँ पे लिखा हुआ, क्या नाम था तेरा? जेंगा जेंट्स पार्लर। तो यही गाइस, आ जाना काटने के लिए इसका दुकान पे। तो गाइस, फाइनली हम आरिफ के घर आ चुके थे। तो आरिफ का बाइक देख सकते हैं, डोमिनर 400, बहुत बढ़िया है। अभी मैंने जस्ट चलाया था इसको, राइड किया था, और आरिफ ने मेरा ये 20 को चलाया था। तो आरिफ कुछ बोल रहा था, ये कुछ 5x कोरियन नूडल्स खाया था, जो मेरा ब्लॉग में मैंने अभी अभी जो ढाला था, तो ये बोल रहा था कि आराम से खा सकेगा। तो चैलेंज करता है, चैलेंज कितना एक्सेप्टेड? पैसा का नहीं, ठीक है, पैसा का नहीं चाहिए, तुम खा सकेगा ना? तो ठीक है, हम तुमको 5x नहीं, तुमको हम 3x खिलाएगा, ठीक है, तुम खाएगा ना? सही है ना? श्योर 101%। ये खाएगा बोल रहा है 3x को, ये पूरा एकदम जोश में है, जब ये खाएगा तब पता चलेगा इसका हालत क्या होने वाला है। तो सही है, तो मैं इसका साथ चैलेंज जरूर करूंगा, ये चैलेंज एक्सेप्ट हुआ। मैं तो नहीं खाऊंगा, जस्ट थोड़ा थोड़ा खा लूंगा, लेकिन इसको खिलाऊंगा, ठीक है, ठीक है ना? तो मजा आएगा। ये ब्लॉग मैं बाद में आके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ, उसके बाद ये ब्लॉग आएगा। फाइनली गाइस, अभी मैं घर पहुंच गया, तो अभी मैं जाऊंगा यहाँ से थोड़ा पापा के पास जाऊंगा, पापा उधर है तो पापा को लेके आते हैं। तो आज का मेरा लास्ट राइड होने वाला है मोटो ब्लॉग में, तो आप लोग भी इंजॉय करिएगा। तो कल मैं निकल रहा हूँ कहीं दूर के लिए, तो वो एक सरप्राइज है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा कहाँ निकलता हूँ, वो उसका ब्लॉग आएगा। तो अभी निकलते हैं गाइस, थोड़ा चलाएंगे अपना 20 को काफ़ी बढ़िया से। तो गाइस, कल मैं कहीं निकल रहा हूँ एकदम दूर जर्नी के लिए, और मैं अपना बाइक को लेके नहीं जाऊँगा लगभग 7-8 दिन के लिए, तो काफ़ी मज़ा आएगा वो जर्नी भी, और बहुत खूबसूरत जगह है वो भी। तो आप लोग बने रहना, ब्लॉगिंग तो आएगा, लेकिन मैं अभी बता नहीं रहा हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो एक सरप्राइज है गाइस, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहना। तो चलते हैं यहाँ से अभी, अभी मैं पहुँचने वाला हूँ। अभी यहाँ से हमें इधर जाना होगा, यहाँ पे पापा लोग बैठते हैं गेम करके, तो अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो गाइस, पापा के लिए थोड़ा वेट करते हैं, और तब तक सोच रहा हूँ मैं गणेश मंदिर थोड़ा दर्शन करके आ जाऊँ। गणेश मंदिर उधर ही है, जंगल इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, उधर ही है। तो सोच रहा हूँ मैं गणेश मंदिर को थोड़ा दर्शन करके आ जाऊँ, तब तक शायद पापा लोग भी आ जाएंगे, और मुझे रोइंग भी जाना है। अभी 3:30 हो चुका है एक्चुअली बोलने से ना, तो ज़्यादा लेट करने से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, तो इसके लिए जो जो सामान चाहिए मुझे वो भूल भी जाऊँगा मैं फिर, नहीं तो ज़्यादा शाम होने से। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले मंदिर जाके मैं दर्शन कर लेता हूँ, प्यारा सा दर्शन, बहुत अच्छा लगेगा, जाने से पहले एक बार गणेश जी का दर्शन मिल जाए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसके लिए जाके दर्शन करके आते हैं, पापा तब तक शायद आ भी जाएंगे होगा, तो चलते हैं गाइस। झंडा लोग भी है, अच्छा लग रहा है देख के, जाके शायद बंद होता होगा, लेकिन भी देख के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता ऐसा बना दिया, ये गिरी वालों ने बनाया, बहुत अच्छा कर दिया, जो उतना अच्छा रास्ता बना दिया। पुजारी जी भी है यहाँ पे, जाके दर्शन करके आते हैं। साफ कर रहे हैं, नमस्ते। कैमरा, ओ ये कैमरा कर दे, आगे ब्लॉग बना दे, आगे ब्लॉग। तो गाइस, गणेश मंदिर का पंडित जी है, तो काफ़ी अच्छा है, आज बोल लूँ ना, नहीं आज बर्थ हूँ, तो इनका आज बर्थ है, जो बर्थ में नहीं बोलते, मतलब बर्थ लिया हुआ है। तो जाके मैं आपको गणेश मंदिर थोड़ा दिखाता हूँ, दर्शन करा दूँगा, नहीं
गाडी पनि अँ गाडी पनि लिनु नि उसले अँ त्यस्तो आशीर्वाद दिनु त गाइस मुझे बोल रही कि आप गाडी भी लोगे थोड़ी दिन के बाद आशीर्वाद दिदिनु और मुझे एक प्रसादी दिया गया आपेले तो मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ पे आके दिल खुश हो गया और मिलते हैं अभी और यहाँ पे आपका शिवलिंग है काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी देख के जान चुला टाटा गो को काफी अच्छा लगा यार यहाँ पे मैं मम्मी हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे ना तो अच्छा लगता है यहाँ पे आके आप लोग भी आना यहाँ पे और ये आपका इंजनों का जगह है तो आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे आके भी काफ़ी अच्छा लगेगा तो यहाँ पे नाम भी लिखा होगा देख सकते हैं गणेश मंदिर बोल के और यहाँ पे झंडा संडा भी गहरा हुआ है काफ़ी बढ़िया है तो गैस मुझे पापा नहीं मिले शायद वो लेट हो जाएगा पापा को आते आते तो इसका वजह से मैंने सोचा है कि मैं शाम को आऊँगा एक ही बार तो अभी मैं रोइंग जाऊँगा क्योंकि मुझे रोइंग में भी काम है तो ये ब्लॉग पता नहीं कैसा रहेगा बस आप लोग शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय तब तक के लिए